नमस्कार अमरीजनों, आप देख रहे हैं स्वीटी पाठशाला। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों की इंक्वायरीज लगातार बढ़ती जा रही है और हम लोग उस पर समाधान देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, वीडियोज अपडेट कर रहे हैं। वीडियो आप तक पहुंच जाए समय से, इसलिए प्लीज वो घंटा जरूर दबा लो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यूट्यूब सब्सक्राइब करने के बाद भी अगर घंटा नहीं दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और जिसकी वजह से ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये छोटा एडमिशन छोटा क्योंकि ये डेली से हो रहा है। बिल्कुल भी आपके लिए यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बैठा है जो थोड़ा भी दया भावना रखेगा। पेमेंट छोटा, एडमिशन छूट जाएगा। सो प्लीज इस पे दो वीडियो ले आऊंगा। पहला है पेमेंट प्रोसेस, जबकि ये है पेमेंट कब आएगा, इस पे बातें करते हैं। एक जब पेमेंट दोबारा आएगा, जब फाइनली आ जाएगा, तो उस प्रोसेस पे भी वीडियो बना दूंगा कि पेमेंट करना कैसे है और कैसे पेमेंट नहीं फंसेगा। कई बार क्या होता है, जैसे किसी किसी कोर्स में फी जो है ना वो 60,000 है 40,000 है, और उनका अगर पेमेंट फंस जाता है तो समझ लो कि अब 40-60 हज़ार दोबारा फिर से अकाउंट में होना चाहिए पे करने के लिए। इसीलिए बोल रहा हूँ कि हर कोई अपने यहाँ पेमेंट अभी से अरेंज करके अकाउंट में रख लो, और ऐसे अकाउंट में जिसका ट्रांजेक्शन स्मूथली हो जाता है, ऐसा नहीं जिसका रिकॉर्ड खराब है, और अच्छे नेटवर्क में ही पेमेंट करना है। अभी स्वागत कर रहा हूँ, लेकिन जब दोबारा आएगा पेमेंट प्रोसेस तो मैं बताऊंगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ पेमेंट पहले कब आएगा, प्रोसेस समझो, पहले जान जाओ पेमेंट कब आएगा। तो ये चल रहा है फर्स्ट राउंड कट ऑफ, सबको पता है फर्स्ट राउंड कट ऑफ चल रहा है। फर्स्ट राउंड कट ऑफ की जो डेट लाइन है वो 15 तारीख है। क्या है? 15 जून को, ठीक है, 15 जून को, 15 जून तक अभी ये फर्स्ट राउंड कट ऑफ चलेगा पूरा। लेकिन हम लोग ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली ये पेमेंट हमें कब तक मिलना शुरू हो जाएगा, इस पे चर्चा कर लेते हैं। सो प्लीज अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो हमारे पास 13 एक डेट दी गई है। क्या 13 डेट दी गई है? जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अच्छा हाँ, इसमें भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो बता देना, जिसमें हम लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देखेंगे 13 तक। इट मींस कि इस 13 के बाद 15 तारीख से पहले, यानी 13 से 15 के बीच में, ध्यान देना ये डेड लाइन है, ये 15 आपका डेड लाइन है, ठीक है, ये डेड लाइन है, ना कि ये आपका पेमेंट जनरेटिंग डेट है। 13 जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो ये 13 भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेड लाइन है, ये भी डेडलाइन है, लेकिन ये किसका है? ये डेडलाइन है इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, ठीक है। ये 15 किसका है? पेमेंट का डेडलाइन है, ठीक है, पेमेंट का डेडलाइन है। यानी आपको अगर पेमेंट करना है तो 15 के पहले करना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये आ रही है बच्चों को कि सर ये सब तो ठीक है, पेमेंट आना शुरू कब होगा, इस पर चर्चा कर लेते हैं। जैसे ही आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यहां पर जैसे ही आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सपोज कोई बच्चा जो है वो अपना कोर्स एक्सेप्ट कर लिया, तुरंत ही कर लिया, और उसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई भी तुरंत ही हो गया होगा। ऐसा हो सकता है कि तुरंत ही हो गया होगा, जबकि ऐसा भी किसी का हुआ नहीं है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्योंकि मिनिमम 12 घंटे का समय ले रहे हैं वो लोग, क्योंकि स्टार्टिंग में 6-7 घंटे तो प्रोफेसरों का ही पोर्टल नहीं खुला, मतलब प्रोफेसर जिस पोर्टल पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे उन्हीं का नहीं खुल रहा था। अब वो लोग भी ट्रेंड थोड़ी है इतने ज्यादा, नया नया प्रोसेस ले आते हैं भाई, प्रोफेसर को भी ट्रेंड करना पड़ेगा ना, नए पोर्टल पे उन्हें काम समझना है, तो उन्हें भी 6-7 एक बोला, कई दिन से उनकी मीटिंग चल रही थी, फिर वो लोग अब जाके प्रोसेस को समझ पाए, अब जाके उनका पोर्टल ओपन हो पाया है, वो भी दूसरे के प्रोफेसर हेल्प करके अपना ओपन किए हुए हैं। तो अब वो लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कर दिए हैं, ठीक है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसका एक अलग से वीडियो मैं दे दूंगा, आप लोग कॉमेंट कर देना अगर वीडियो चाहिए तो। जो पेमेंट है, जैसे किसी का डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया 12 घंटे बाद, वेरीफाई हो गया, वहां पे लिख के आ गया वेरीफाइड, तो जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होगा, अब वो बच्चा पेमेंट किसी भी क्षण पा सकता है। अब ये लोग फाइनली एनटीए को इन्फॉर्म, सामर्थ को इन्फॉर्म कर रहे हैं, समर्थ को, कि भाई हमने इस बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर लिया है, ये जेन्युइन पर्सन है, ये एलिजिबल है, इसका मार्क्स भी है, अब आप इसको चाहो तो पेमेंट भेज सकते हो। फाइनली आपके पास तब जाके पेमेंट लिंक आ जाएगा। यानी ये 13 के बाद तो कंपल्सरी है आना, 13 के बाद तो कंपलसरी है आपका पेमेंट लिंक आना, लेकिन 13 के पहले, यानी कि कल 13 स्टार्ट हो जाएगा, कल से आपके अलग अलग कोर्सेज के पेमेंट आने ही लगेंगे, आने ही लगेंगे। लेकिन पेमेंट की जो डेड लाइन है वो 15 तारीख, यानी 13 से स्टार्ट होगा, बीच में 14 और लास्ट 15 की रात तक है। तो प्लीज आप 14 में अपना पेमेंट सल्टा देना, इसीलिए वीडियो हर किसी तक पहुंचा दो, क्योंकि अगर पेमेंट छूटा एडमिशन छूटा, पेमेंट छूट गया एडमिशन भूल जाओ, क्योंकि पेमेंट देने के बाद ही यू विल गेट फाइनल एडमिट कार्ड,
मीन्स की एडमिशन लेटर जिसको बोलते हैं, जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे वो लेटर नहीं मिलेगा उस लेटर के बगैर, क्योंकि उस पर क्या होता है, उस पर पेमेंट आईडी होती है, एडमिशन बार कोड होता है, सब कुछ होता है। मतलब आप एकदम उस दिन आप प्राउड से स्टेटस लगा सकते हो उसका स्क्रीनशॉट लेके कि नाउ वी आर BHUL। सो प्लीज आप लोग से अनुरोध है कि ये वीडियो हर किसी तक पहुंचाएं, किसी का भी पेमेंट मिस नहीं होना चाहिए। पेमेंट प्रोसेस का वीडियो जो है वो मैं जब पेमेंट आएगा कल जब आएगा तो किसी बच्चे का लेके मैं प्रोसेस में बताऊंगा कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, ठीक है। और पेमेंट ऑनलाइन ही है, बस ऑफलाइन नहीं है, ध्यान देना। तो साइबर वाले का अगर आप मदद लेते हो, आप छोटा अमाउंट जैसे है, मान लो किसी का 5,000-10,000 अगर अमाउंट है, तो वो मेरे यहाँ भी करा सकते हो, मतलब जो काउंसलिंग वाला नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उनसे आप लोग करवा सकते हो। वैसे वो बड़ा अमाउंट का रिस्क नहीं लेंगे, ध्यान देना, मतलब वो लोग मेरे यहाँ अपना काउंसलिंग मुस्लिम बच्चों का करते रहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों ने उनके यहाँ काउंसलिंग कराई हुई है, और बड़ा कहीं ना कहीं बहुत ही जिम्मेदार है। मेरे को कई लोग का उन्होंने डिटेल भेजा हुआ था कि सर प्लीज आप अपने यहाँ देख लो, तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, लेकिन बड़ा अमाउंट पेमेंट नहीं करेंगे। हाँ, जो एमए एमएससी के कोर्सेज हैं, जनरली प्रोफेशनल कोर्सेज छोड़ दो, तो उनका अमाउंट वो लोग जरूर पे कर देंगे। आप लोग चाहो तो काउंसलिंग वाला नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उन्हें अभी से व्हाट्सएप पे हेलो हाय करके अपना रखे रहो, जब आएगा तो उन्हें कॉल कर लेना, जब वो प्रॉपर बात करेंगे तब फिर उनका आप लोग चाहो तो करवा सकते हो, ठीक है। वो बढ़िया से प्रॉपर वे में आपका पेमेंट कर देंगे। वैसे ये सब रिक्स वो लोग लेते नहीं है, लेकिन कर देंगे, ठीक है। मुस्कुराते रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो कुल मिला के पेमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, भूलना नहीं है, हर किसी को इस पर कॉन्शियस रहना है। लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं कि अंतिम तक इस वीडियो किसने देखा है। तो अपना फेवरेट फ्रूट जो है वो आप कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को शेयर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा। मुस्कुराते रहिएगा, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं।